जय सीताराम, नमस्ते। अभी मैं आपको इसका अगला पार्ट दिखाता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि पहले नंबर तो मेरी इतनी हिंदी भी अच्छी नहीं है और दूसरा मेरे को इतना वो नहीं है कैमरा चलाने की नॉलेज। मैं आपको सिर्फ अपनी आँखों से जो मैं देख रहा हूँ वो दिखाना चाहता हूँ। आओ दिखाते हैं, देखते हैं। हम आपको इसका नाम भी बताएंगे, पहले इसकी पूरी परिक्रमा लेंगे आपके साथ। तो हूबहू जितनी भी बिल्डिंग है आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप उधर जाके देखोगे तो उसकी पूरी ए टू जेड 0.1 मिस्टेक ये बनी है सारी बिल्डिंगें। तो अभी दिखाते हैं, ये भी 100 वाटर जो आपको मैंने बताया था उसकी बनी हुई है। तो इसको बोलते हैं 1883 में बनी थी ये कैथीड्रल ऑफ सग्रादा फमिली, बार्सिलोना में बनी हुई है। ये बार्सिलोना की बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई है, ये दिखा रहा हूँ। अगर आप उधर जाके देखोगे ना तो ऐसे ही ये टूटी हुई आपको मिलेगी वहाँ पे, जो जो चीज़ टूट ऐसी ही हूबहू बनाई हुई है। ये इसको बोलते हैं कासा मिला बार्सिलोना, स्पेन में ये बनी हुई है कासा बार्सिलोना। कासा तो एक्चुअली इटालियन में घर को बोलते हैं, इसको भी कासा मिला ही बोलते हैं, कासा मिला बार्सिलोना। जो जगह है जिसका नाम है मिनी मुंडुस में आपको सारा ये रेल जेट है हमारे ऑस्ट्रिया की सबसे तेज चलने वाली, ऑस्ट्रिया की सबसे तेज चलने वाली है, ये वर्ल्ड की नहीं है। तो ये बने हुए हैं आपके ग्रीकलैंड में जो ओलंपिया हुआ था वहाँ पे, इसकी ये बिल्डिंग है। ये बेसिकली 6 मंजिला इमारत है उधर, इसका नाम बताते हैं आपको। पहले नंबर पर रेल जाया कर दी हमारी ट्रेन, इधर से गई है, अभी वेट करना पड़ेगा हमको एक बार फिर। ये हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का बना हुआ है कपेले, स्टीले नाख्त इसको बोलते हैं। इसका गाना बड़ा मशहूर है, स्टीले नाख्त साइलेंट नाइट, कपेले बोलते हैं छोटी चर्च को। तो ये हमारे घर जहाँ पे रहते हैं हमारे घर के पास ही है हर लाइन में। तो पहले आपको ये दिखा देते हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं की हुई है, ऐसी विंडो लगी हुई है, ऐसे शीशे लगे हुए हैं, ऐसे ही पत्थर लगे हुए हैं छत के ऊपर भी ऐसे ही। ये बुल्गारिया में बना हुआ है रीला क्लोस्टर, इसको बोलते हैं रीला मोनेस्ट्री बुल्गारिया। दिस इज हलाइन चर्च। होली ब्लड चर्च, इसकी भी हमारे गांव में भी ऐसी चर्च है, इसकी कॉपी है। लेकिन ये हॉली ब्लड हाइली गेब्लूथ शहर का नाम है, चर्च का नाम है। नाउ वी गो स्लोली आउटसाइड एंड वी शो यू
ये ओसाका का महल है, ओसाका जापान जैपनीज महल। तो वो भी ऐसे ही लकड़ी का पुल बना हुआ है, उसके ऊपर जाके इसको बोलते हैं ओसाका का महल। अभी आपको दिखाते हैं, अपने हाथ पैर धो लीजिए, अपने भगवान राम को, शिवजी भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, ये उसी का घर है। तो ये मक्का मदीना का जो मस्जिद है, मस्जिद मक्का, अजान हो रही अंदर। नहीं, ये सुलेमानी मस्जिद है इस्तांबुल की, जो पहले लाइब्रेरी थी, फिर उन्होंने दोबारा इसको एज ए मस्जिद में ही ट्रांसफर कर दिया है। इस्तांबुल आप जाओगे अगर तुर्की में, तो वहाँ पे ये मस्जिद है। सॉरी, मैंने इसमें मक्का मदीना बोल दिया था, लेकिन ये तुर्की की मस्जिद है, क्योंकि मैंने दूर से ही देख के अंदाज़ा लगाया था कि, क्योंकि मैं कभी मक्का मदीना गया नहीं हूँ, इसलिए लिखा हुआ था मस्क रोड, तो मैंने जल्दी जल्दी यही लगा दिया कि इन्होंने क्योंकि वर्ल्ड वंडर की बनाई है बिल्डिंगें, तो उसमें गलती माफ़। ये हाइडन टोर गेट है पत्रोनेल ऑस्ट्रिया में, और ये ऐसा दिखता है। ये सेंट पोल्टन ऑस्ट्रिया की एक काउंटी है, उसमें एक बुर्गनलैंड पड़ता है, बुर्गनलैंड का शहर है। नहीं, ये सेंट पोल्टन जे नीदर ऑस्ट्रिया, सो डाउन ऑस्ट्रिया, डाउन टाउन वहाँ पे बना हुआ है सेंट पोल्टन शहर, उसका ये जो मेयर का हाउस है ये, और जब बना था 1570 में। यू वॉन्ट टू स्टार्ट द ट्रेन, यू कैन स्टार्ट। ना बिजली नहीं है, बिजली नहीं है इसके अंदर। मेरा बेटा भी मेरे साथ आया आज, स्टाइना तोर क्रेम्स जो स्टोन पत्थर का ये गेट इसको बोलते हैं, वो ये 1400 सदी में बना था। वाओ, देयर इज दिस टावर। ये आप इसके उधर पैदल जाके ऊपर बैठते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कौन सी जगह ये।
ये बेल्वेडेरा पैलेस है बयाना का, ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।